वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पीई कॉन्सेप्ट। पीई कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे हम एक एक्वस सॉल्यूशन का रेडॉक्स पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, यानी यहाँ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। अब ये पीई क्या है? पीई उसी तरह से हम यूज़ करते हैं जिस तरह से हम पीएच इस्तेमाल करते हैं। पीएच इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स और पीई इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉल्यूशन। या मैं कह सकता हूँ पी इज मेजर ऑफ रेडॉक्स कंडीशंस इन एन एक्वस एनवायरनमेंट। पीई ऑफ ए सॉल्यूशन जो रहता है वो हमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितनी है एक सॉल्यूशन में। कैसे बताएगा? जिस तरह से पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताता है। पीएच लिखते हैं हम बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो पी बराबर रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि पीई जो है वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर पी लिखेंगे, हम लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई सॉल्यूशन में तो पीई कम होगा, और अगर ये कम हुआ तो पीई ज़्यादा होगा। ये बात याद रखना। अब हमने ऊपर ये कहा था कि इससे हम एक सॉल्यूशन का रेडॉक्स पोटेंशियल निकाल सकते हैं पीई से। तो पी और रेडॉक्स पोटेंशियल का या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब रहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब रहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमारे पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बी को देता है और खुद बन जाता है ए पॉजिटिव और ये बन जाता है बी नेगेटिव। इसका मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ए का ऑक्सीडेशन हुआ और बी का रिडक्शन हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी जो है इसने ए से इलेक्ट्रॉन लिया, इसको ऑक्सीडाइज किया, तो बी है ऑक्सीडेंट। और ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया, खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन इसको रिड्यूस किया, तो ए है रिडक्टेंट। ये बात याद रखना। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन का रेडॉक्स पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और पीई का आपस में क्या रिलेशन है वो हम एक सिंपल सी इक्वेशन से दिखा सकते हैं, और इक्वेशन है मॉडिफाइड नर्स इक्वेशन। इसमें हम दिखाते हैं कि पीई बराबर रहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिवाइड बाय 0.0591 एट 25 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूँगा 298 केल्विन। ये बात याद रखना। ये जो 0.0591 है ये एक कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू तब आता है जब हम आइडियल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट जो यहाँ पे रहता है आर टी एन एफ, उनके वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं। लेकिन वो वैल्यूज़ कब आएंगे? जब हम इसे लेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे। तो जब आप वो वैल्यू आर का और 298 टेम्परेचर पुट करते हैं और फेराडे का वैल्यू पुट करते हैं 96500, तो आपको यह वैल्यू मिल जाता है। तो ये वही वैल्यू है, ये कांस्टेंट वहीं से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये कम होगा। इतना याद रख लेना, सिंपल सी इक्वेशन है पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिवाइड बाई 0.059। ठीक। अब हमें इतना याद होना चाहिए कि पी जब हाई होगा, पी हाई मीन्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लो होगी, तो ये तब हाई होगा जब ये पॉजिटिव आएगा। तो ये हाई और ई पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वहाँ पे कम होगी, क्योंकि पी ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम होगी। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कब कम होगी? जब वहाँ पे ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे। ऑक्सीडेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाले, जिस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन लिया इससे, इलेक्ट्रॉन लेने वाले जब ज़्यादा होंगे यानी ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होंगी, तब पी हाई होगा और ई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से पी लो कब होगा?
एनवायरनमेंट में या एक्वस सॉल्यूशन में, जब वहाँ पे पी लो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी? जब सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग स्पीशीज ज़्यादा होंगी, यानी रिडक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले ज़्यादा होंगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आया कि पी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं पीई को। देखिए, पहला जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट कंसंट्रेशन। हमें मालूम है ऑक्सीडेंट ज़्यादा रहेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स एट्सट्रा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे सोल्यूशन से, कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन कम तो पीई ज़्यादा। अब अगर रिडक्टेंट्स हुए, रिडक्टेंट्स इलेक्ट्रॉन देंगे तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो पीई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है पीएच। पीएच डिपेंडेंस देखते हैं हम पीई का। देखिए, पीई बराबर रहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिवाइड बाय 0.059 माइनस पीएच। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा का मतलब बेसिक सॉल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पीई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है ये रिड्यूसिंग कंडीशन होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है बेसिक सॉल्यूशन। अब अगर पीएच कम है, पीएच कम का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि ये एसिडिक कंडीशन है। अब एसिडिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अगर कम हुई तो पीई ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ये कहलाएंगी ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, क्योंकि पीई ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, जैसे हमने पिछले पेज पर देख लिया। तीसरा जो फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होंगे वो सल्फेट को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? H2S गैस बनेगी। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो पी ऑटोमेटिकली कम। इस तरह से नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्राइट और ऑटोमेटिकली लास्ट में नाइट्रोजन में रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पीई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अब पीई का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है या इसका एप्लीकेशन क्या है वहाँ पर? देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर बॉडीज, ये हम डिटरमाइन कर सकते। देखो, एरोबिक कंडीशंस अगर होंगी तो ऑक्सीजन लेवल हाई होगा, ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, ऑक्सीडेंट ज़्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कैप्चर ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीई हाई होगा। या इसका मतलब ये भी है कि अगर पीई ज़्यादा है तो ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, यानी ऑक्सीजन लेवल्स ज़्यादा होंगी। ये ऑटोमेटिकली हमें ये दिखाता है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट। मैं बोलूंगा कि इन कंडीशंस में ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। अब अगर एनएरोबिक कंडीशंस यानी एनॉक्सिक कंडीशन जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होगी या जीरो होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो ऑक्सीडेंट्स होंगे नहीं, वहाँ पे रिड्यूसिंग एनवायरमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के लिए कुछ दूसरी स्पीशीज इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो नाइट्रेट्स रहते हैं, जैसे डीप अंडर वाटर जो रहता है, तो वहाँ पे नाइट्रेट्स या सल्फेट्स यूज़ होते हैं, तो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। इसीलिए जब ये नाइट्रेट्स और सल्फेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फेट रिड्यूस हुआ तो वहाँ पे H2S गैस प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वहाँ पे बदबू आएगी, यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होंगी, वहाँ पे H2S गैस की आपको स्मेल नज़र आएगी। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो मेटल सॉलिबिलिटी एंड मोबाइलिटी। देखिए, अगर मेटल आयन्स की हम बात करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा वो डिपेंड करता है पीई पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में आयरन के दो स्पीशीज़ है, एक है Fe2 पॉजिटिव, दूसरा है Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और Fe3 पॉजिटिव मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पीई कम हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिड्यूसिंग कंडीशंस होंगी, यानी रिड्यूसिंग कंडीशंस में आयरन की Fe2 पॉजिटिव स्पीशी सॉलिबल होगी। जबकि अगर पीई ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम हुई, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होंगी, तो उसमें आयरन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा,
तो उस कंडीशन में Fe3 पॉजिटिव कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाते। इस तरह इसीलिए जब Pe कम होता है तो Fe2 पॉजिटिव स्पीशीज़ बनती हैं, और Pe ज़्यादा होता है तो आयरन जो है वो Fe3 पॉजिटिव स्पीशीज़ बनाता है, और ऐसी कंडीशन में Fe2O4 डिपॉजिट हो जाता है। तीसरी जो एप्लीकेशन है इसकी, तीसरा एप्लीकेशन वो है न्यूट्रंट साइकिलिंग। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, Pe ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम, तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस में नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज नाइट्रेट NO3-, जबकि सोल्यूशन का Pe अगर कम है तो रिड्यूसिंग कंडीशंस होंगी, उस वक्त जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो बनाएगा अमोनियम या N2, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा एज अमोनियम और N2 गैस। ठीक इस तरह से सल्फर साइकिल की बात करेंगे, सल्फर साइकिल में क्या होगा, अगर Pe ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होंगी तो सल्फर विल बी प्रेजेंट एज सल्फेट, जबकि Pe अगर कम हुआ तो रिड्यूसिंग कंडीशंस होंगी, तब सल्फर सल्फेट के फॉर्म में नहीं बल्कि H2S के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस Pe की, और ये था Pe कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है, अगर आपको इतना याद रहा तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और कंसेप्ट भी अच्छा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट।